हेलो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है निर्मल प्रधान, दूसरा ऑप्शन है सुधीर रंजन, तीसरा ऑप्शन है अंकुर पटवर्धन, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र दास। और आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अंकुर पटवर्धन। दोस्तों, हम इस करंट अफेयर्स सेक्शन के सारे वीडियो को धीरे धीरे करेंगे पूरे जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक के वीडियो हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय ने किस राज्य में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड। यहाँ ऑप्शन और इसका करेक्ट आंसर सी नंबर है, ओडिशा। ओडिशा ऐसा राज्य है जो पहला राज्य बना है जो उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है सरजू बाला देवी, दूसरा ऑप्शन है अनिंदिता नियोगी अनाम, तीसरा ऑप्शन है कुमारी सरोज, चौथा ऑप्शन है विद्या देवी सिंह। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनिंदिता नियोगी अनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 जनवरी 2019 में PSLV C-44 यान ने अपनी किस उड़ान के तहत माइक्रोसॉफ्ट आर तथा क्लाम सेट V2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, 51वीं, 46वीं, 40वीं, 36वीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों बी नंबर, 46वीं। 46वीं उड़ान के तहत PSLV C-4 यान ने माइक्रोसॉफ्ट आर क्लाम सेट V2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोंग-E-4 किस देश का चंद्र मिशन है जिसके तहत जनवरी 2019 में उसका रोवर यूतु-2 चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था? ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों चाइना। चाइना चाइना का जो चोंग-E-4 है वो एक चंद्र मिशन है जिसके तहत जनवरी 2019 में उसका रोवर यूतु चांद पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने किसानों की मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन से दोस्तों, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? पहला ऑप्शन है दोस्तों फर्नांडो हदाद, दूसरा ऑप्शन है मारियानो डिसिल्वा, तीसरा ऑप्शन है जेयर बोल्सोनारो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो जो है 1 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी को
1 जनवरी 2019 को यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2019 को अमेरिका तथा किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी? ऑप्शन दोस्तों, इजराइल, चीन, जापान, फ्रांस। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के साथ, अमेरिका तो छोड़ा है, उसके साथ इन चारों ऑप्शन में दिए गए कोई एक देश जो है वो भी निष्क्रिय सदस्यता 1 जनवरी को छोड़ दिया था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिलते ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो गई है? यहाँ पे बता दें दोस्तों कि 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था, और अब भारत में इसकी संख्या हो गई है 48, यानी कि 48 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 से 9 जनवरी 2019 के बीच किस देश की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थी? एर्ना सोलबर्ग जो इन चारों दिए गए ऑप्शन में से एक देश की प्रधानमंत्री है, और वो 7 से 9 जनवरी 2019 के बीच में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थी। ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17वें गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए प्रविंद जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी सिरिल रेमाफोस, ऑप्शन नंबर सी एंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर डी इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिरिल रेमाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 से 7 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है दोस्तों हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा ऑप्शन राजस्थान, और इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों पंजाब। पंजाब में 3 से 7 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शराब कारोबारी विजय माल्या किस अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित होने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति बन गया है? पहला ऑप्शन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 1986, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2019, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2017, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से 20 से 22 जनवरी को 9वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी वडोदरा, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है गांधीनगर। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज है, हाल ही में किस देश ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंजतीर्थ एक धार्मिक स्थल है, को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी ईरान। सही आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन से पता चल जा रहा है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, उसमें आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2017 के लिए किसे
नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ऑप्शन नंबर ए जयंत कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन सावरकर, ऑप्शन नंबर सी संतोष कुमार, और इनमें से कोई नहीं।